हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। मैंने यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का मैंने आपको पेपर डाला था, मतलब LDC का, ठीक है। और स्टेनोग्राफर का भी मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर डाला था। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करके ये कह रहे हैं कि रीजनिंग नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो ये आपका 2018 का नोटिफिकेशन है। जितने भी स्टूडेंट्स ने ये कहा है, उन वो स्टूडेंट ध्यान से देख लें। आप लोग क्या करते हो कि पढ़ते नहीं हो, आप लोग क्या करते हो कि ऑलरेडी कमेंट में ये लिख देते हो कि ये नहीं था, वो नहीं था। साफ साफ आप 2018 के नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे सिलेबस वगैरह में, ठीक है, आपकी इन पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट आया था, ठीक है। और नीचे अगर हम सिलेबस वगैरह में चलेंगे, साफ साफ सिलेबस में देख लीजिए क्या लिखा है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि देखोगे नहीं कि लास्ट ईयर क्या आया था, प्रीवियस ईयर पेपर, फिर कहोगे ये नहीं था, वो नहीं था। देखिए साफ साफ स्टेनोग्राफर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेकंड सेक्शन में, 100 मार्क्स का आएगा हिंदी इंग्लिश, 50-50 30 मार्क्स की आएगी मेंटल एबिलिटी / रीजनिंग, ठीक है, अर्थमेटिक। साफ साफ सेकंड वाले इसमें लिखा हुआ है। और आप लोग क्या कह रहे हो, अरे प्रीवियस ईयर का पेपर ही नहीं है। आप लोग जब आंखें खोल के अपनी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा ना। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है, साफ साफ ये देख लीजिए लिखा है कि नहीं लिखा है। अपनी आंखें खोल के एक बार देखिए रीजनिंग है। तो प्रीवियस ईयर में जो पेपर होगा वही तो आपको दिखाया जाएगा, कोई अलग से पेपर बना के तो ला नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। तो मेक श्योर जो चीज़ यहाँ पे दी जा रही है वो जेन्युइन है, ये बस मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अननेसेसरी का आप लोग ये जो रीजनिंग नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है, पहले एक बार सिलेबस आके खोल के देख लीजिए लास्ट ईयर क्या था, इस बार का क्या था, तब आप ये सारी चीज़ें करिए। अभी आप तैयारी कर रहे हो, और मैं जो चीज़ें डालता हूँ मैं इन सब चीज़ों को देख चुका हूँ, निकल चुका हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर आप एक चीज़, यही कारण होता है कि आप लोग एग्जाम नहीं निकाल पाते हो। समस्या यही होती है कि जो चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है उसमें आपको दिमाग लगाना है, जिसमें पढ़ाई में दिमाग लगाना है उसमें आपको नहीं लगना है, बाकी अननेसेसरी की चीज़ों में आपको दिमाग लगाना है। जितने भी स्टूडेंट जो पास होते हैं वो सिर्फ जो चीज़ आती है, मटेरियल आता है, उसको देखते हैं, समझते हैं और उसी अनुसार काम करते हैं। और जितने स्टूडेंट कमियाँ निकालते हैं ना, तो एक चीज़ ध्यान रखें कि वो रिजल्ट में भी आपकी कमियाँ ही आती हैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने कमेंट किया है वो ध्यान से इस चीज़ को देख ले, ठीक है। LDC की बात करें, पूरा LDC का सिलेबस दिया गया है, जो कि आपके अभी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट से जो आपकी पोस्ट आई है उसमें भी आप एक बार सिलेबस देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी पेपर डाला हुआ है इसका, क्या आपका सिलेबस है और अभी इस बार क्या आया है, दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है। ज़रूरी ये नहीं है कि क्या नाम लास्ट ईयर का पेपर क्या है क्या नहीं है, जो एग्जैक्ट पेपर आया वही मैंने आपको डाला हुआ है, ठीक है। अगर आपको लग रहा सही तो ठीक है, नहीं लग रहा तो आप कहीं दूसरे जगह से अपने लिए अलग से स्पेशल पेपर बनवा लीजिए, ठीक है।